एके मिश्रा साहब, एके मिश्रा साहब, जी, बोलिए। इमरान प्रतापगढ़ी के कुछ फोटो आए, भाजपा ने आरोप लगाए, भाजपा पर कांग्रेस ने आरोप लगाए, वो एक अलहदा विषय है। लेकिन जिनके फोटो नहीं आए वो भी अतीक से थे टेक्टिकल अलायंस में, और कुछ के फोटो आ गए, बाकी के फोटो भी आ जाएंगे। जब कोई बहुत बड़ा अपराधी हो जाता है तो सारे लोग जो राजनीति करना चाहते हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने समर्थन के लिए उसके देहरी पर धोख जरूर देते हैं कहीं ना कहीं। आप सहमत हैं इस बात से? जी, अमिताभ जी, देखिए, बिल्कुल सहमत है जी। जो आपने बोला टेक्निकल, डेफिनेटली ये टेक्निकल तो, ये अलायंस टेक्निकल तो होता ही है, लेकिन ये बड़ा माइक्रो स्ट्रेटजिक होता है। माइक्रो स्ट्रेटजिक इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारी चीजें जो प्राप्त करने में उनको कड़ी मेहनत या लंबे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता, उनके पास जाके स्ट्रेटजिक वे में वो उसका समाधान बड़े आराम से पा सकते हैं। एक दौर चला था जबकि इन बाहुबलियों का वो दौर था, इनको लॉन्च किया गया ज्यादा से ज्यादा टिकट, ज्यादा से ज्यादा पैसा, ज्यादा से ज्यादा जनबल, जो भी चाहिए वो सारी मनोकामनाओं की इच्छा पूर्ति होती थी वहां पे। अब सवाल यह था कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी क्योंकि सारे काम इनके हो जाते थे, कोई चाहता भी नहीं था। जब उद्देश्य की पूर्ति हो जाए तो ये टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक दोनों तरीके का अलायंस था। जी, ठीक बात है। अभी एक प्यारी बहन की 2 रोज पहले जालौन में हत्या कर दी गई, वो परीक्षा देकर के घर वापस आ रही थी। क्या मजहब के लिए आतिक को वो कर दे? एके मिश्रा साहब, एके मिश्रा साहब, एक नया दृश्य भी उभर रहा है। अशरफ, अतीक और मुख्तार, तीनों की पत्नियां आरोपित हैं, अभियुक्त हैं, तीनों की पत्नियों के ऊपर इनाम घोषित है और तीनों फरार हैं। ये एक नया एंगल है, नहीं? देखिए, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। मैं बोलूं? जी जी जी। देखिए, ये भारत में एक नई तरीके की परंपरा शुरू हो रही है। अगर एक ही क्षेत्र से तीन महिलाएं फरार हैं, जहां पे सेंट्रल और प्रदेश की पुलिस एकदम कंबाइंड है, और ये तीन लोग पूरे सिस्टम को धता बता रहे हैं, पूरी मीडिया को, पूरी जनता को, पूरे इंटेलिजेंस को, तो ये एक बहुत खतरनाक चीज जो है पैदा हो रही है। एक खतरनाक, आप ये समझिए कि राजनीति में, और इसमें ये पैदा हो रही है कि वारिस कौन होगा, महिला हो। पहले महिलाओं को ये माना जाता था कि भाई वो इन सब चीजों में नहीं है, या भारत में वो इन सब चीजों में नहीं रहती है। एक नई खेप ये पैदा हो रही है। इनकी डेयरिंग देखिए, इनका दुस्साहस देखिए, पुलिस के सामने सरेंडर करने की बजाय ये पुलिस को चकमा दे रहे हैं, पूरे सिस्टम को। ये भागने का मतलब है, सरेंडर न करने का मतलब पूरे सिस्टम को, पूरे लोकतंत्र को, पूरे संविधान को चकमा देना। और अगर कुछ गड़बड़ हो गई, खुदा न खास्ता, हालांकि मैं अहिंसा में विश्वास करता हूं, ऐसे में अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो न जाने कितने लोग और अपने सहरे जमीन पे गिरा देंगे, चूड़िया तोड़ेंगे, क्या करेंगे समझ में नहीं आता है। जितने प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, ये मनीष सिंह जी अभी बोल रहे थे एक बेटी को जो है जालौन में गोली मार दी थी, बात सही है, 9 घंटे बाद ही पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। खुशी की बात यह है कि अपराधी अपराध कर रहा है लेकिन उसको जवाब मिल रहा है। इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति आज के पहले सरकारों में कभी नहीं देखी गई। और किस मुंह से ये लोग बचाव कर रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे पर्सनल इनका इनकाउंटर होने वाला है या इनके ऊपर गाज गिरने वाली है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात अपना अमिताभ सर है, वो अभी मिश्रा जी बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात है मिश्रा जी आप कह रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया ने देखा है जिस देश में किसान आंदोलन में 700 से ऊपर किसानों ने अपनी प्राण गंवाई है, 4 किसानों की लखीमपुर खीरी में, अजय मिश्रा टेनी जो गृह राज्य मंत्री है वो अभी एक जमाने के बहुत बड़े अपराधी रहे हैं, उनके बेटे ने 4 किसानों की गाड़ियों से कुचल करके हत्या कर दी, और क्या उनका एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था? उनके घर तक बुलडोजर नहीं चलना चाहिए था? वो तो न्यायालय जाएंगे, मूछों पर काम देंगे, मूछों पर सृष्टि। ये बताइए, सरकार ने जब सीधे बोल दिया कि माफियागिरी छोड़ दो, कानून की शरण में आ जाओ, इसके बाद भी अतीक अहमद का दुस्साहस देखिए, उसके लड़के का दुस्साहस देखिए कि उसने 6 लोगों को लेकर इलाहाबाद में बमबाजी की। इतना बड़ा दुस्साहस अगर कोई माफिया दिखाएगा तो उसके साथ यही होगा। अब चीजें, अब फिजाएं बदल गई हैं।
अब ये दौड़ना नहीं है कि जहाँ पे मुख्यमंत्री साहब बोल देंगे भाई लड़कों से गलती हो गई। ठीक, एक मिनट एक मिनट मनीष बाबू, एक मिनट मिश्रा जी, एक मिनट मैं प्रशांत पटेल को बहस में ले आऊं, एक मिनट मनीष बाबू, एक मिनट एक मिनट मैं मिश्रा जी प्रशांत पटेल को भी बहस मिला। एके मिश्रा जी, बात मैं भी देख रहा हूं, कुछ दो तीन दिन से सोशल मीडिया पर एक वो ट्रेंड बन क्रिएट किया जा रहा है कि भाई अतीक की, मुख्तार की, इसकी उसकी, चिंटू की, पिंटू की बात क्यों हो रही है, रोटी रोजगार की बात हो। यही ट्रेंड तब चला था जब काशी कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था कि मंदिर की बात क्यों हो रही है, रोटी रोजगार की बात हो। जब अयोध्या में भूमि पूजन हुआ तब भी ये कुछ लोगों ने चलाया कि ओए मंदिर की बात में, मंदिर से रोजगार मिलेगा। ये इसके पीछे का गणित क्या है? कुछ मुझे इसके पीछे कुछ मामला शेडी लग रहा है। नहीं, चिंता रोजगार की नहीं, चिंता दूसरी लग रही मुझे। नहीं, क्योंकि जब खाली टाइम होता है, जब ये कोई काम नहीं हो रहे, भाई तीन काम तीन दिन, अयोध्या में भूमि पूजन एक दिन, एक दिन काशी कॉरिडोर हो गया, एक दिन अतीक का हो गया, एक दिन लड़के का हो गया, उसके चार दिन, शेष दिनों में रोजगार के लिए आंदोलन नहीं हो सकते थे? अमिताभ जी देखिए, सारे पैनलिस्ट यहाँ पे बड़े विद्वान है, क्योंकि आज का विषय नहीं है मंदिर हमारे इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट करता है और वेल्थ का इक्वल रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे ये टेंपल करते हैं या धार्मिक स्थान करते हैं। ये पूरा एक अलग जो है रिलीजियस इकोनॉमिक्स का ये फैक्टर है जिसपे बात की जा सकती है। सबसे बड़ी दुर्दशा मैं ये देख रहा हूँ, ठीक है कानून अपनी विवेचना करेगा क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, और कानून से ज्यादा ताकतवर अपने लोकतंत्र में कोई नहीं है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। मैं ये देख रहा हूँ एक तबका पत्रकारों का, प्रवक्ताओं का ऐसा है जिनके मुंह से आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि भाई जो लोग भाग रहे हो वो आकर के कानून के सामने सरेंडर करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाजपा के सामने या योगी जी के सामने या मोदी जी के सामने या अखिलेश यादव के सामने सरेंडर करिए, आप कानून के सामने सरेंडर करिए। किसी के भी मुंह से ये नहीं निकल रहा है। हमारे सपा के जो और मित्र बैठे हैं आप उनको बोलिए, आप शाइस्ता को बोलिए कि भाई आप सरेंडर करिए, आप क्यों भाग रहे हैं। अच्छा, जिन लोगों ने सरेंडर कर दिया, सरकार किसी की भी रही हो, फुलन देवी इसका बेस्ट एग्जांपल है, उन्होंने सरेंडर किया, बाकी की जिंदगी सजा काटने के बाद उन्होंने अच्छे तरीके से मुख्य धारा में गुजारी। तो भाई इस रास्ते को क्यों नहीं अपना रहे हो? मंदिर बनेगा तब भाई मैं गारंटी देता हूं एक चीज, अमिताभ जी सुन लीजिए, राम का नाम लेके इनको बोलिए कटोरा पकड़ के पूरे देश में किसी चौराहे पे बैठ जाए, कुछ हो ना हो लेकिन इनका पेट जरूर भरेगा सुबह शाम। कटोरा लेके ये केवल ये बोले कि भाई राम के नाम पे दे दो मुझे दो रोटी, भूखे नहीं रहेंगे ये दिन भर, इतनी गारंटी मैं देता हूँ। ये महिमा राम के नाम की है जी। और नहीं हो तो प्रयोग कर लीजिए, कटोरा लेके किसी चौराहे पे बैठ जाइए और बोलिए राम के नाम पे दे दे बाबा, भूखे नहीं सोओगे आप, ये राम के नाम की महिमा है।